कार्तिक मास की पवित्र प्रबोधिनी एकादशी के पहले पंच तीर्थ महास्नान और आध्यात्मिक यात्रा के साथ ही धार्मिक पुष्कर मेले आज से शुरू हो गया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही महास्नान शुरू हो गया, जो पूरे दिन जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विद्यमान रहते हैं और इन 5 दिनों में किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते घाटों पर पर्याप्त पुलिस जाप्ता और SDRF के जवानों को तैनात किया गया। बाजारों में उमड़ी भीड़ के चलते चौपहिया वाहनों को डाइवर्ट किया गया। ब्रह्म मंदिर पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया गया। पुष्कर एक आदि अनादि तीर्थ है। सतुगम केवल हम पुष्कर द्वापुरम नैमिषारण्य त्रेतायाम कुरुक्षेत्र और कलयुगे गंगा। नहाने से यहाँ प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से ओ प्रीत से जन्म सफल हो जाए। तो यहाँ पर आज के दिन हर देश के हर कोने से हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान पूजा अर्चना करते हैं और जिनके संतान प्राप्ति नहीं होती है वो 5 दिन तक यहाँ स्नान करता है और पुष्कर आदि से आराधना करता है ब्रह्मा जी से, तो निश्चय उसके संतान होती है। क्योंकि जगत के पिता ब्रह्मा है, तो पिता लड़के से लड़का माता पिता से कुछ मांगा जाता है तो पिता माता लड़के को सब कुछ देते हैं। उसी प्रकार ये जगत के पिता है, ये अपने माता पिता को जरूर दे रहे, बच्चों को जरूर देते हैं। तो यहाँ मांगने से सब कुछ मिलता है। यहाँ जीव जंतु पशु प्राणी आज के दिन 33 करोड़ देवता यहाँ विद्यमान है। साल में 365 दिन होते हैं, बाकी दिन सभी देवता अंतरिक्ष में रहते हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन सभी देवता यहाँ निवास करते हैं। तो पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, स्नान करना, रात्रि को यहाँ विश्राम करना, जल में स्नान करना, दान करना, यज्ञ करना, ये सब भाग्य से होता है। कार्तिक महीने में स्नान करिए, पूरे महीना व्रत करिए और पच्चीस या नवनवास तेजस के दिन आ गया पुष्कर सब चीज़ का गुरु है। पुष्कर में आया हो 11 के दिन है, भाई इसी खातर आया हो कल पूजा अर्चना करो। पूजा अर्चना करने के लिए का स्नान करने के लिए दान करने के लिए। क्या सुना था पुष्कर के बारे में? पुष्कर के बारे में क्या सुना है? तीर्थ के बारे में पुष्कर सब तीर्थों का राजा है, इसलिए आते हैं यहाँ लोग स्नान करने के लिए। और क्या क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं। नाम बताओ आप। प्रेम। ब्रह्मा की पवित्र धरा पर संत महंत और अनेकों समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों ने आध्यात्मिक पदयात्रा की। इससे पहले मेला मजिस्ट्रेट देविका तोमर CO ग्रामीण विनोद सीपा ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्कर के गुरुद्वारे के सामने संत महंत विभिन्न संप्रदायों के मठाधीशों का पुष्प तिलक के साथ अभिनंदन के बाद आध्यात्मिक पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा में विभिन्न मंदिरों, स्कूलों और समाज सेवकों की ओर से मनोहर झांकियां सजाई गई। अध्यात्म से जुड़ी ये झांकियां ढोल नगाड़ों के साथ जब पुष्कर के मुख्य बाजारों से निकली तो कस्बे वासियों ने इनके स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए और फूलों की वर्षा की। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के इस नजारे को देखकर विदेशी पर्यटकों ने भी न केवल इसमें पैदल चलकर भागीदारी निभाई बल्कि हरे राम हरे कृष्णा का बखान करते हुए ढोल नगाड़े भी बजाए। धार्मिक मेले की शुरुआत पर हुए इस आयोजन में आध्यात्म की ऐसी छटा बिखरी जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। यात्रा में शामिल हुए संत महंतों ने कहा कि यह भाईचारे का प्रतीक है और इसमें एकता बढ़ती है। अयोध्या मामले को लेकर संतों ने कहा कि जो भी न्यायालय का फैसला आएगा स्वीकार किया जाएगा।
आध्यात्मिक रैली हमारे पारंपरिक तौर से जिस जो एक रास्ता था जो पारंपरिक रूप से पुष्कर के लोगों ने चुना था उसी रास्ते पे पुनः चलाई गई और बहुत ही खूबसूरत पूरे पुष्कर वासियों का पुष्प वर्षा करके बहुत ही खूबसूरत साथ रहा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हम लोगों ने इस रैली को एक संपन्न किया मेला ग्राउंड में मार्केट से ब्रह्मा मंदिर से लेते हुए और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। बहुत ही शांतिपूर्वक बहुत खूबसूरत बहुत ही सुंदर रैली आप सबने निकाली। मैम 5 दिनों तक ये महास्नान चलेगा उसको लेकर क्या तैयारियां क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है? हमारे यहाँ पे 4 मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं घाटों पर, उसके अलावा 3 मजिस्ट्रेट्स ऑलरेडी मेले से रिलेटेड हम लोग, इसके अलावा हम लोगों के पास डिप्टी SP और पुलिस जाप्ता और सारा सिविल डिफेंस का तैराकों का जो तैराक हमारे पास पुष्कर की तरफ से है पुष्कर के वासियों में से हैं उनकी सूची को लेकर आपस में सभी अधिकारियों से एक बैठक कल शाम को मेला अतिरिक्त प्रभारी SDM अजमेर में ली गई है, उनके निर्देशनों के उसमें ली गई है, पटवारियों की ILR की सबकी ड्यूटी लगाई गई है 3 पारियों में और पूरी तरह से व्यवस्था रहेगी। कुछ अतिरिक्त कनात लगाकर जो चेंजिंग रूम्स हैं मुख्य घाटों पर गौ घाट ब्रह्म घाट और इन पर वो भी लगाए गए महिलाओं के लिए। मैम राम जन्मभूमि का फैसला आने को है उसी को लेकर पूरा प्रदेश ILR पर है, पुष्कर मेला चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है इसकी सुरक्षा को लेकर भी कोई स्पेशल व्यवस्था की गई? पहले से ही हम लोगों ने पुष्कर मेला को जिस तरह से देखते हुए SP साहब ने अच्छे से 2000 पुलिस का जाप्ता लगा रखा है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम। आज यहां पर सभी धर्म के गुरु हैं, दरगाह से कभी आए हैं, चर्च से फादर आए, हम तीर्थ गुरु पुष्कर राज के भी हैं। हम सब ने एक साथ निर्णय किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आए राम जन्मभूमि का हम सब उसका आदर करेंगे स्वीकार करेंगे और हम पूरी शांति बनी रहे इसीलिए हम हमारे मंदिरों से आश्रमों से दरगाह से चर्च से जुड़े हुए हमारे अनुयायियों को धार्मिक लोगों को हम इसका मैसेज देंगे कि शांति बनाए रखे, कोई ऐसा कार्य ना करे जिसकी तरफ निर्णय आए वो अति उत्साहित ना हो, जिसके लिए ना आए वो इतना दुखी ना हो। हम सब मिलकर इसका निर्णय अभी भी निकाल सकते हैं और हम सब साथ मिलकर ये संदेश देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। पुष्कर में आए सभी यात्रियों का दरगाह की तरफ के लोगों का दरगाह की तरफ से स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा में आने का मकसद यही है जो हमारे देश की सांप्रदायिक सद्भावना है जो एकता है वो ही मजबूत हो, उसी मकसद से इस यात्रा का मिशन होता है, उसके तहत ही हम दरगाह के लोग यहाँ पे आके ये संदेश देना चाहते हैं। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, जैसे हमारा देश गुलदस्ता है, सभी फूल उसमें रहते हैं, ऐसे सभी जाति सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं जो गुलदस्ते के रूप में रहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी एकता मजबूत हो, संप्रदाय सद्भावना मजबूत हो, लोगों के दिल और मजबूत हो, उसी मिशन के तहत ये संप्रदाय सद्भावना मजबूती के हिसाब से ये आध्यात्मिक यात्रा इसी मकसद से होती है ताकि यात्री आवे, देश विदेश से आने वाले यात्री हो, जो और देश के कोने कोने से आने वाले यात्री संदेश जावे कि यार सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो संदेश है इस मिशन के तहत यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन किया जाता है, इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और ये यात्रा और आगे हरी धर्म सब धर्म के लोगों की भी प्रगति हो और इससे लोग। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।